इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच में पाकिस्तान में टीवी टूटने का सिलसिला जारी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पाकिस्तान टीम बहुत बुरी तरह से पिछड़ चुकी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच में पाकिस्तान ने मात्र 190 ही रन बनाए। वहीं बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 111 रन अब तक बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा धमाकेदार पारी खेलते हुए 61 रन बना चुके हैं मात्र 42 गेंदों में, जिसमें रोहित शर्मा ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 5 छक्के और 3 चौके जड़ डाले हैं। वहीं बात करें शुभमन गिल और विराट कोहली की, तो दोनों भी अपने हाथ आजमा लिए। वहीं इंडियन बॉलर का आज कहर देखने को मिला। इंडिया के बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान के कोई भी बल्लेबाज उनके सामने टिक नहीं सके, क्योंकि पाकिस्तान के बल्लेबाज आज बहुत ही लुल साबित हुए। पाकिस्तान के बल्लेबाज आज ऐसे लग रहे थे मानो कोई गली क्रिकेट खेलने आया हो। इंडिया के तरफ से सब बॉलर कामयाब नजर आए, सिर्फ शार्दुल ठाकुर को छोड़कर। इंडिया के शार्दुल ठाकुर ने कोई विकेट नहीं लिए। बाकी इंडिया के जितने भी बॉलर थे, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, सब ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। वहीं हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक को आउट करके पाकिस्तान टीम के कमर से तोड़ दिए। पाकिस्तान टीम आज पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो चुकी है। पाकिस्तान में टीवी अब तक टूटने का सिलसिला जारी हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम आज अपने टीम को बुरा भला कहने में बहुत बिजी चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम के प्लेयर आज कुछ खास नहीं कर सके हैं। पाकिस्तान के जो भी खिलाड़ी आज बल्लेबाजी करने आए, सब नाकाम साबित होते रहे और लास्ट में कोई भी बल्लेबाज दाही का आंकड़ा छू ही नहीं सके। बस बाबर आजम और रिजवान ने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बहुत नाकाफी थे। दोनों ने मिलकर अपने टीम को थोड़े बहुत संघर्ष के लिए उतारा तो जरूर था, लेकिन पूरी टीम इतनी बेबस नजर आई कि पाकिस्तान मात्र 190 रन पे ऑल आउट होकर पवेलियन लौट गई। वही भारतीय टीम ने जवाब में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 15 ओवर के अंदर 112 रन का स्कोर खड़ा कर दिया है, जो भारत के लिए बहुत इजी टारगेट है, क्योंकि भारत 190 रन मुश्किल से 25 ओवर के अंदर चेज करते हुए इस मैच को बहुत ही धमाकेदार अंदाजे से जीतने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि इससे पॉइंट टेबल में भारत और आगे पहुंच जाएगा और पाकिस्तान की टीम इस हार के साथ अपने अभियान में एक विराम लगाएगा, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसे मजबूत टीमों से अभी भिड़ना है। और भारत ऑस्ट्रेलिया जैसे महान टीम को हराकर पाकिस्तान को हराएगा तो आधी भारत की जो है यात्रा पूरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहें, आपको अपडेट देते रहेंगे कि पाकिस्तान टीम और इंडिया के बीच हुए मैच में आगे क्या हो रहा है।